हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुक विद एसएम। आज हम बनाएंगे रक्षाबंधन स्पेशल काला जामुन। इसको काला जाम भी कहते हैं और आजकल कोविड चल रहा है तो इसमें बाहर से चीज़ें खाना थोड़ा सा हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, इसलिए आज हम लोग घर पर ही ट्राई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने 1.5 कप मिल्क पाउडर लिया है इस वाले कप से। ग्राम के हिसाब से अगर आप देखें तो ये आपके पास 150 ग्राम ये मिल्क पाउडर है। इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून सूजी, लेबल करके आपको डालना है, बहुत भर के नहीं डालना है। वन टेबल स्पून मैदा, टू टेबल स्पून जो है देसी घी डालना है, और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर है, सॉरी सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। अब ये देखिए, 2 अंडे हमने लिए हैं और ये दोनों अंडों को हमने अच्छे से बीट कर लिया है। अब ये कभी कभी ये होता है कि अंडे अंडों के साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि छोटा है या बड़ा है, कभी दोनों अंडे इसमें कंज्यूम हो जाते हैं और कभी थोड़ा सा बच जाता है। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके अंडे अपने डालेंगे और एक डो तैयार करेंगे। देखिए, हमने अपने बैटर को चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम अपने हाथ में थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसको फिर अच्छे से पुश कर करके थोड़ी देर के लिए इसको सॉफ्ट डो की तरीके से आटा सानते हैं वैसे ही इसको थोड़ा सा करेंगे। और अंडा हमारा इसमें तकरीबन, ये देखिए इतना अंडा बच गया है इसको बनाने में। हमारा डो तैयार है, इसको हम 10 मिनट के लिए रखेंगे, फिर अपने काला जाम की गोलियाँ बनाएंगे। अब दूसरी तरफ हम इसकी चाशनी बना लेते हैं, जिसके लिए हमने 1 कप चीनी लिया है और 2 कप पानी हमने इसमें ऐड किया है। अगर आपको बहुत मीठा पसंद है तो पानी फिर आप 1.5 कप डालिएगा चाशनी बनाने के लिए। 1/4 टीस्पून हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे दशीड़े में। अब हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे, पहले बॉयल आएगा और बॉयल आने के बाद 5 मिनट तक और बनाएंगे। अब हम अपने काला जाम को शेप देंगे, जिसके लिए हमने थोड़ा सा देसी घी हाथ में लगाया है। छोटी छोटी से गोलियां यहाँ से लेंगे और इनको ऐसे करके और ऐसे बनाएंगे। आप साइज अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सी छोटे साइज के बनाएंगे। चाशनी हमारी रेडी है। अब इसमें हम 1 ढक्कन केवड़ा का डालेंगे या रोज वाटर आप डाल सकते हैं। गोलियां हमारी तैयार हो चुकी हैं, टाइम है इनको फ्राई करने का। तेल हमारा हो चुका है, अब इसमें हम 1 बाय 1 करके डाल देंगे। ये ध्यान रखिए कि बहुत गर्म तेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनको एक बार हल्के गुलाब जामुन में ये होता है कि आपको सिर्फ एक बार फ्राई करना होता है, और काला जामुन में ये होता है कि आपको अपनी गोलियों को 2 बार फ्राई करना होता है। तो एक बार बहुत धीमी आंच पे और एक बार थोड़ा तेज आंच पे। अभी हमारे हो चुके हैं, देखें इनको टर्न कर लेंगे। अब ये देखें, हमारे काला जाम एक बार फ्राई हो चुके हैं। अब इनको एक बार हम अच्छे से ठंडा करेंगे और दोबारा फिर से फ्राई करेंगे। हमारे काले जाम जो है वो ठंडे हो चुके हैं और तेल हमने फिर से गरम कर लिया है, हल्का गरम किया है। अब इसमें हम अपने काला जाम ऐड करेंगे। आप काला जाम कह सकती हैं, बहुत लोग इनको काला जामुन बोलते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं जो आपके शहर में कहा जाता हो या आपके मुल्क में कहा जाता हो।
और हमारे काला जाम देखिए फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हम डायरेक्ट चाशनी में डालेंगे। चाशनी के लिए आपको क्या करना है, या तो आप बड़ी सी कढ़ाई ले लें या कोई बहुत फैले मुँह का बर्तन ले लें। फिलहाल मेरे पास यही फैले मुँह का बर्तन था, इससे भी बड़ा होता तो और अच्छा था, क्योंकि छोटे बर्तन में अगर आप डालेंगी तो वो आपके गुलाब जामुन या काला जाम जो है वो आपस में चिपक चिपक के दब जाते हैं साइज से, तो खुले बर्तन में डालना चाहिए। तो हम इसमें वन बाय वन करके डाल देंगे। अब देखिए ये हमारे काला जाम जो है वो सारे रस में डूब चुके हैं और इन्होंने बहुत अच्छे से रस पी लिया है। ये देखें, ये दबाने से सारा रस बाहर आ रहा है, ये एकदम तैयार है। अब इनको हम सर्व करेंगे। हमारे काला जाम तैयार हैं, यकीन जाने बहुत मज़े के बने हैं। बनाइएगा ज़रूर, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, वीडियो देखने के बाद प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।